आज जमुई जिले के बरहाट थाना क्षेत्र के चोरमारा गांव निवासी बाकपा माओवादी शीर्ष कमांडेंट डॉक्टर सोरेन कोड़ा पिता दीना कोड़ा ने आज जमुई एसपी प्रमोद कुमार मंडल के सामने आत्मसमर्पण किया। शीर्ष कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा वर्ष 2004 से भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था। शीर्ष कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा के ऊपर जमुई जिले में दर्जनों कांड में वांछित है। इसके अलावा मुंगेर लखीसराय जिले के करीब एक दर्जन कांडों में वांछित है। इस प्रकार शीर्ष कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा के ऊपर करीब दो दर्जन कांडों में वांछित है। शीर्ष कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा के ऊपर वर्ष 2005 में मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना कांड में जेल जा चुके हैं। नक्सली कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा वर्ष 2005 में भीमबान जंगल में मुंगेर जिला के तत्कालीन पुलिस अध्यक्ष केसी सुरेंद्र बाबू एवं पुलिस बल को लैंडमाइन से विस्फोट कर हत्या कर दिया गया था। उस विस्फोट में दर्जनों पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। वहीं नक्सली कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा ने बताया कि बरहट थाना के पचीसरी स्कूल हत्या, पेसरा मुठभेड़, लखीसराय जिले के पुजारी अपहरण हत्याकांड, लखीसराय जिले के मुखिया अपहरण कांड में सली पता स्वीकार किया है। इसके अलावा शीर्ष नक्सली कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा ने दर्जनों कांडों में अपना संथीलपत स्वीकार किया है। वहीं नक्सली कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में प्रेरित होकर मुख्य धारा से जुड़े हैं एवं जमुई पुलिस अध्यक्ष प्रमोद कुमार मंडल के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं जमुई के नए एसपी प्रमोद कुमार मंडल की बहादुरी की चर्चा पूरे जमुई जिले में की जा रही है। वहीं नक्सली कमांडर डॉक्टर सोरेन कोड़ा के समर्पण करने से नक्सलियों में खौफ है, इसलिए जमुई के एसपी ने सभी थाना प्रभारी को हाई अलर्ट किया है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी थाना प्रभारी को अपनी गतिविधियां तेजी से लाने के लिए कहा गया है। जमुई से